हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरेशम और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला टिप है, जब भी हम पीनट्स को सेक के उसे क्लीन करते हैं तो हमारा किचन बहुत मैसी मैसी हो जाता है, पंखे से सब जगह उड़ के कचरा हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर ले कढ़ाई में। उसके बाद इस पीनट्स को अच्छे से ठंडा होने दें। जब इसके छिलके उतरने लग जाएंगे तब कोई भी कॉटन कपड़ा लें और उसमें इस तरीके से डाल के हाथों से इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से रब करते जाएं। इस तरीके से रब करने से क्या होगा कि ये पीनट्स अच्छे से छिले जाएंगे। तो देखिए, मैं जिस तरीके से कर रही हूँ इस तरीके से करके हम कोई भी थोड़ी पूड़ी निकालने वाली मोटी छेद वाली छलनी में इसे इस तरीके से डाल देंगे और नीचे प्लेट रखेंगे और हम इसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हिलाएंगे तो आप देख पाएंगे कि छिलका बहुत आसानी से इस पीनट से अलग हो जाएंगे और हमारा किचन भी मैसी मैसी नहीं होगा। तो बहुत इजी मेथड है पीनट्स को क्लीन करने का। तो कैसा लगा आज का आपको ये मेरा फर्स्ट टिप, प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं। थोड़ी बहुत जो बचे हुए रहते हैं उसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है। फ्रेंड्स, आज का मेरा दूसरा टिप है एनवलप, जो हम बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में एनवलप नहीं रहता है तो हमें बहुत इमरजेंसी रहती है और हम बाहर भी नहीं जा पाते हैं, तो उस टाइम हम घर पे ही फटाफट एनवलप से 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं बताती हूँ हम इसे कैसे बनाते हैं। बहुत ईजी मेथड है। एनवलप बनाने के लिए हमें चाहिए पेंसिल, ग्लू, एक ढक्कन, कैंची, स्केल और A4 साइज़ पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेपर में कहीं पे भी एक छोटा सा चिन्ह लगा लेंगे, एकदम छोटा पतला सा, ये देखिए इतना सा ही। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो हमने चिन्ह लगाया है वहाँ से लेके चिन्ह तक, ये लाइन को ये चिन्ह तक ही हमें इस तरीके से टच करना है, इस तरीके से हम टच करेंगे इसे। ध्यान रहे ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। उसके बाद हम धीरे से इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसे खोल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लगभग 1 इंच से 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा इस तरीके से चिन्ह लगा लेते हैं, इतना हमें कट करना है। ये देखिए इस तरीके से हम पेंसिल से बस यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में हमें ड्रॉ नहीं करना है। और यहाँ पे भी इस तरीके से हम कर लेंगे। सेम प्रोसेस हमें अपोजिट साइड में भी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हम चारों पीस को कट करके निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम ये जो चारों पीस है उसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। बहुत ध्यान से एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही कट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चारों पार्ट को रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना इसको हम इस तरीके से धीरे से एक स्ट्रेट लाइन स्केल की सहायता से फोल्ड कर देंगे और इस साइड को भी हम इस तरीके से धीरे से प्रेस करके फोल्ड कर देते हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए इसमें। अब हम एक साइड को हम करेंगे इस तरीके से कट, ट्रायंगल शेप कट करेंगे इसे इस तरीके से। इस पार्ट को हम इस तरीके से धीरे से हटा देते हैं।
बहुत फटाफट बन जाता है ये एनवलप घर पे। और ये जो दूसरा साइड है उसमें हम रखेंगे ढक्कन इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसे शेप देंगे। देखिए इस तरीके से, और इसे भी हम कैंची से कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम इस तरीके से राउंड शेप देते हुए कट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ से स्ट्रेट किया है और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसे कट किया है। अब हम क्या करेंगे, ये साइड थोड़ा बड़ा है हमारा और ये थोड़ा छोटा है इस साइड में। तब ये बड़े वाले पार्ट को पहले हम इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे और छोटे वाले पार्ट को इसके ऊपर लाएंगे, और यहाँ पे हम हल्का सा ग्लू लगा लेते हैं। जो छोटा वाला पार्ट है वहाँ पे इस तरीके से हल्का हम ग्लू अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ग्लू अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसे चिपका लेते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे कट की है उस स्ट्रेट लाइन पे भी हम पूरा अच्छे से ग्लू चिपका लेंगे, और इसे भी हम धीरे से फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा एनवेलप जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरीके से हम इसे अच्छे से डाल के, अच्छे से पैक करके हम दे सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड से एनवेलप बन जाता है। अगर आपको ब्राउन एनवेलप बनाना है तो बच्चों के स्कूल का कवर रहता है, हम कितनी बार वेस्ट ऐसे ही गिरा देते हैं, उससे भी आप इसे बना के रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेकली हमारे फर्श पे तेल गिर जाता है तो, और इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या में आप चाहे बेसन या आटा कोई भी ले सकते हो, इस तरीके से थोड़ा सा आटा डाल दें और हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरीके से मिला लें। तो ये देखिए, ये जो जितना भी ऑयल था इस आटे ने अब्जॉर्ब कर लिया है, ये देखिए। तो इसे उठाना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए इस तरीके से हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं ऑयल से ही, और कोई भी टिश्यू पेपर लिए और इसे साफ कर ले इस तरीके से। तो आप देख पाएंगे कि उस एरिया में बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहेगी और बहुत फटाफट आसानी से हम उस आटे को क्लीन कर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी चिकना नहीं लग रहा है। और अब हम इसमें हल्का सा कुछ भी स्प्रे करके साफ कर सकते हैं। वैसे ये स्टिकी नहीं है अभी इतना, आपको मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल भी हाथ में ऑयल नहीं है मेरे। तो ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहा तो आप हल्का सा इसमें कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट डाल के साफ कर सकते हो, और बहुत इजी मेथड है ये ऑयल क्लीन करने का। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये टिप, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का मेरा चौथा टिप है सब्जी को लेकर है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बहुत ज़्यादा पतली बन जाती है, ग्रेवी उसकी बहुत ज़्यादा पतली बन जाती है। तब आप क्या करें कि इस तरीके से हमारे घर में कोई भी भुजिया मिक्सचर वगैरह रहता है उसे हम इस चाय वाले मामचस्ते से अच्छे से कूट सकते हैं। कूट के एकदम बारीक फाइन पाउडर तैयार कर लें। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हो। उसके बाद इसे एक या दो चम्मच आप सब्जी में मिला दें तो देखिए कि सब्जी का टेस्ट भी बढ़ेगा और वो जो ग्रेवी है वो भी थिक हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी बॉयल्ड आलू ले लें, एक आलू ले लें और आलू को एकदम मैश करके डाल दें, उससे भी सब्जी बहुत जल्दी थिक हो जाती है। और उसके अलावा आपके पास अगर ब्रेड क्रम्स है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हो उस ग्रेवी में। तो ग्रेवी थिक करने का ये तीन ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, मैं अपने डेली रूटीन में ये यूज़ करती हूँ, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको ये टिप, प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा।